बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनीमिया। अनीमिया खून की कमी का नाम है। अनीमिया क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अनीमिया के क्या इलामत होती हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सी, बहुत आम बीमारी है, अक्सर जो है वो बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो इसके बारे में लोगों को आगाही नहीं है, लोग जो हैं वो इसमें कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो इसकी कुछ इलामत होती हैं, अगर आपको ये पांच निशानियां नज़र आ रही हैं किसी के अंदर, तो उसको खून की कमी का वो बच्चा शिकार है। बड़े भी इसमें जो है वो इस बीमारी की ज़िद में आ सकते हैं और बच्चे भी आ सकते हैं। कुछ बच्चे तो जिनको बचपन से जो है वो जेनेटिकल डिसऑर्डर, वो थैलेसीमिया होता है, उनको तो खून की कमी होती है, उनको जिनको खून लगाना पड़ता है बाइट से। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका खून बनता है लेकिन बहुत कम मकदार में बनता है, तो उसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं कि उनकी या तो खुराक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खुराक के अंदर आयरन की मकदार बहुत कम है, या वो बच्चे जो है उनके अंदर प्रॉपर विटामिन की डेफिशिएंसी है उनको, या आयरन डेफिशिएंसी है, या और कोई मसले हैं। तो आज मैं आपको पाँच निशानियाँ बताऊँगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप भी खून की कमी का शिकार हैं। वो पाँच निशानियाँ कौन सी हैं, क्या आपको चक्कर आते हैं चलते हुए, या आपके सर के अंदर दर्द रहता है, या आपको ऐसे महसूस होता है। आम हालत के अंदर हमें दिल धड़कता हुआ महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आपको दिल की धड़कन तेज़ होती हुई और आप दिल की धड़कन को महसूस करते हैं, जिसको पल्पिटेशंस कहते हैं, तो ये भी एक इलामत है कि आपके अंदर खून की कमी है, आप एनीमिया के मरीज़ हो सकते हैं। या आपके जिस्म के अंदर दर्द रहता है, आपका गोश्त दर्द करता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, आपको जो है इंसोम्निया है, आपको नींद नहीं आती है, नींद आती बहुत कम नींद आती है, और हर वक्त आप थके थके से महसूस करते हैं, और आपकी जो स्किन है वो येलो हो गई है, जर्दी माइल हो गई है, तो भाई आपकी जो है हो सकता है कि एनीमिया के शिकार हो। तो अपने जल्द से जल्द जो है वो अपना चेकअप करवाएं, अपने फिजिशियन को दिखाएं, इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, अपने ब्लड के टेस्ट करवाएं, अपने जो है करीबी हीमाटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है, जो ब्लड जो स्पेशल डॉक्टर होता है, जो खून की कमी के हवाले से जो उसने स्पेशलिटी होती है उसके अंदर, हीमाटोलॉजिस्ट उसको कहते हैं, तो आप उसके पास जाएं, आपके वो इन्वेस्टिगेशंस करेगा। ये खून की कमी जो है ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे खतरात की वजह बन सकती है, तो इससे बचा जाए। तो ये पांच निशानियां जिसके अंदर हों, आपको थकावट महसूस होती है, आप थोड़ा सा काम करते हैं आपको सांस चढ़ जाता है, और इसके अलावा आपके सर के अंदर दर्द रहता है, या आपको चक्कर आते हैं, या आपको दिल जो है वो धड़कता हुआ महसूस होता है, पल्पिटेशंस होती हैं, तो ये जो है, या आपके हाथ और पांव ठंडे महसूस होते हैं आपको, हाथ और पांव जो है, कोई आपके हाथों या पांव को हाथ लगाए तो वो कहे कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, तो आप खून की कमी का शिकार हैं। तो जल्द से जल्द जो है करीबी आप किसी अपने हीमाटोलॉजिस्ट से राबता करें, अपने फिजिशियन को दिखाएं, मेडिकल स्पेशलिस्ट को, ताकि ये आपकी इस बीमारी का इलाज किया जा सके। और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि खून की कमी क्या होती है, इसको पूरा करना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि खून जो है हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, इसकी मकदार का पूरा होना ये बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, लोगों जो हैं अपने खाने का ख्याल नहीं है, लोगों को उनको नहीं पता कि हमें जो बॉडी के लिए क्या ज़रूरत, विटामिन ज़रूरी हैं, कितना आयरन ज़रूरी है, लोग जो हैं वो आयरन जो है लेस आयरन वाली जो है खुराक खाते हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं खासकर उनके अंदर कमी, बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, क्योंकि वो अपनी खुराक के अंदर जो है ना वो आयरन नहीं लेते, जिससे जो है उनके अंदर जो है वो एनीमिया हो जाता है, एनीमिया से फिर और खतरात हो जाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने हीमाटोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपनी ब्लड की जो है वो रिपोर्ट्स करवाएं, इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, सीबीटी टेस्ट होते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे जो भी आपके वो प्रेस्क्राइब करें इन्वेस्टिगेशंस, वो आप करवाएं और इस बीमारी से अपने आप को बचाएँ। और इसके साथ ही ये कुछ मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं, तो फिर अगर आपको खून की कमी है, आपको ये अलामतें नज़र आती हैं, तो ये वाली मेडिसिन आप खाते रहें, तो इंशाल्लाह इससे भी आपको रोज़ाना एक जो है वो खाने के साथ इसको इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, तो फिर जो है इंशाल्लाह आप इन कमियों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। Thank you so much. Allah Hafiz.